नमो नमः प्रिय छात्राह संस्कृत कक्षायाम् भवतां स्वागतम् अद्य वयम् नवम कक्षायाः दशम पाठ जटायो शौर्यम् इति पठिश्यामः प्यारे बच्चों संस्कृत पाठ्यपुस्तक शेमुषी प्रथम भाग नवम कक्षा के दसवें पाठ का अध्ययन आज हम करेंगे पाठस्य विधानम अभिधानम अस्थि जटायो शौर्य पाठ का नाम है जटायो शौर्य जटायु का शौर्य शूरवीरता पाठ का संदर्भ आपको ज्ञात होगा अधुना आग्छन तो विषये विषय पठा आइए पाठ के संबंध में पहले पढ़ते हैं प्रस्तुत पाठ्यांश महर्षिवामीक विरचित ग्रंथस्य से अकाधस् प्रस्तुत अय पाठ्यांश अय प्रस्तुत पाठ्यांश यह प्रस्तुत किया जा रहा पाठ्यांश पढ़ने वाला हिस्सा महर्षि वाल्मीकि विरचितम महर्षि वाल्मीकि के द्वारा विरचित रामायणम इत्यस्य ग्रंथस्य रामायण नामक इतने नामक ग्रंथस्य ग्रंथ से अरण्य कांडात समुद्रित प्यारे बच्चों रामायण में अध्यायों को कांड के नाम से जाना जाता है और उन्हीं को महाभारत में पर्व के नाम से जाना जाता है तो ये जो पाठ है हमारा ये रामायण के अरण्य कांड से समुद्रित उद्धृत है लिया गया है सम उद्धृत अस्थि लिया गया है उद्धृत किया गया है अयम पाठ्यांश यह पाठ्यांश कहाँ से उद्धृत है रामायण के अंतर्गत अरण्य कांड से जटायु रावण युद्ध से वर्णनमस्ती पाठे कस्य वर्णनमस्ती जटायु रावण रावण और जटायु दोनों का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का यहाँ वर्णन है युद्ध रावण युद्धस्य युद्ध से वर्णनम जटायु और रावण के युद्ध का यहाँ वर्णन है पक्षिराज जटायु पंचवटी कानने कानेलपंत्या श्रुत्वा तत्र गच्छति पक्षिराज जटायु पक्षियों के राजा जटायु पंचवटी कानने पंचवटी नामक कानन याने वन जंगल पंचवटी नामक जंगल में विलपंत्या विलाप करती हुई बिलपंत्या विलाप करती हुई क्षत्रि प्रत्यय का रूप है विलाप करती हुई सीताया सीता के करुण क्रंदनम करुण रुदन को करुण रोने को क्रंदन को श्रुत्वा सुन करके तत्र गच्छति वहां जाता है बच्चों आपको घटनाक्रम ध्यान में होगा जिस समय रावण सीता माता का अपहरण करने के लिए उनकी पंचवटी की कुटिया में आते हैं उस समय का घटनाक्रम यहां अरण्य कांड से लिया गया है रावण जब सीता का अपहरण कर ले जा रहे थे उस समय उनका युद्ध पक्षीराज गृध्राज जटायु से हुआ था वही घटनाक्रम यहां वर्णित है तब सीता का विलाप करती हुई सीता का करुण रोदन सुनकर के पक्षीराज जटायु वहां आते हैं स सीतापहरणे निरतम रावण तस्मात्म निवृत्थ प्रबोधयति स वह कौन जटायु सीतापहर्णे सीता अपहरणे, सीता के अपहरण में निरतम लगे हुए सीता का अपहरण करने में लगे हुए रावण रावण को तस्मात निंद्य कर्मण उस निंदनीय कार्य से अपहरण का जो निंदनीय कार्य रावण कर रहे थे उससे कर्म से कर्मण निंदित कर्म से निवृत्थम निवृत्ति प्लस अर्थम यण संधि हो गई दूर हटने के लिए प्रबोधयति समझाते हैं जटायु रावण को सीता अपहरण के इस निंदनीय कार्य से दूर रहने के लिए उसे समझाते हैं प्रबोधयति प्रबोधित करते हैं जगाते हैं समझाते हैं। परंच अपरिवर्तितमती रावण अपसारयति परंच परंतु अपरिवर्तित मती न परिवर्तितामति यस्य जिसकी बुद्धि नहीं बदली परिवर्तित नहीं हुई जिसको उनकी बात समझ नहीं आई ऐसा रावण ये विशेषण है रावण का अपरिवर्तित मति, परिवर्तित, परिवर्तित यानी बदली हुई मति यानी बुद्धि अपरिवर्तित जो नहीं बदली ऐसी बुद्धि वाला रावण तमेव अपसारयति, तम एव उसको ही किसको जटायु को ही अपसारयती हटा देता है अपसारयति अपने रास्ते से हटा देता है ततः पक्षिराज तुंडेन पादाभ्या प्रहरति ततः तदनंतर उसके बाद पक्षिराज पक्षियों के राजा जटायु तुंडेना तुंड कहते हैं चोंच को अपनी चोंच से च और अपने दोनों पैरों से तुंडेना पादाभ्या चोंच से और अपने दोनों पैरों से प्रहरति प्रहार करते हैं स्व नखई रावण से गात्राणी अपने नाखुनों से पक्षीराज है ना तो अपने नाखुनों से रावण से गात्राणी रावण के गात्र शरीर रावण के शरीर को विदारयती विदीर्ण कर देते हैं घायल कर देते हैं चोटिल कर देते हैं पक्षीराज जटायु पहले समझाते हैं और जब वह नहीं समझते तब अपने चोंच से अपने तुंड से अपने मुख से उस पर प्रहार करते हैं पैरों से प्रहार करते हैं और अपने नाखूनों से रावण के शरीर को घायल कर देते हैं विदीर्ण कर देते हैं एवं च बहुविधाक्रमणे न बहुविध आक्रमणेन रावणः रावण भग्नधन्वा हतसारथी हताश व्रणी वीरथस्य संजातः एवं च इस तरह से बहुविध आक्रमणेन बहुत प्रकार से आक्रमण करके बहुत प्रकार से आक्रमण के द्वारा रावण भग्न धनवा जिसका धनुष टूट गया है भग्न यानि टूट जाना धनवा जिसका धनुष टूट गया है हत सारथी जिसका सारथी हत हो गया मर गया हत अश्व जिसके रथ का अश्व यानी घोड़ा भी हत हो गया मर गया व्रणी वीरथ संजात व्रणी व्रण कहते हैं घाव को जिसके शरीर पर घाव हो गए व्रणी व्रण जिसके शरीर पर व्रण हो गए वो व्रणी वीरथ रथ से रहित संजाता हो गया यानी इस तरह से बहुत प्रकार के आक्रमण के द्वारा जो जटायु ने रावण पर किया उसका प्रभाव क्या हुआ कि रावण धनुष बाण टूट गया रावण का उसका सारथी मर गया उसका घोड़ा भी मर गया वह व्रणी हो गया घायल हो गया और रथ से हीन संजाता संजाता हो गया उपसर्ग है प्रत्यय है पुनः पुनः अतिशय प्रहारे व्रणी महाबली रावण मूर्छिवती भवति खगाधिपस्य खग, खग कहते हैं पक्षी को खग अधिप पक्षियों के राजा खग अधिपस्य पक्षियों के राजा के पुनः पुनः अतिशय प्रहारय पुनः पुनः बार बार अतिशय अधिक प्रहारय प्रहार करने से व्रणी महाबली रावण घायल हुआ महाबली बलवान रावण मूर्छितो भवती मूर्छित हो जाता है मूर्छित भवती ये संधि युक्त पद है प्यारे बच्चों इस तरह से यह इससे पाठ का प्रवेश है और मुख्य रूप से इस पाठ के अंतर्गत रामायण से उन्हीं श्लोकों का संग्रह किया गया है जिन श्लोकों में जटायु और रावण का युद्ध वर्णित है घटनाक्रम वही है जब सीता माता का अपहरण करके रावण ले जा रहा है और जटायु बीच में उनकी पुकार पर आते हैं फिर क्या होता है किस तरह का यह युद्ध होता है एक तत्सव अस्ठे वर्णित पाठ श्लोकयुक्त पाठ अत्र अ्लोका सी श्लोकमाध्यम एवं कथा अग्रे वर्धते बालाका श्लोकाना विषय एक तत्तवस्मा भी अवधेय हमको श्लोकों के संबंध में यही ध्यान रखना चाहिए कि श्लोक कर्ता कर्म क्रिया यह श्लोकों में अलग अलग स्थानों पर होती है अगर वह क्रम हमको समझ में आ जाए बच्चों तब श्लोक बहुत सरल भी होते हैं रामायण के ये श्लोक बहुत सरल बहुत प्रांजल और इनकी भाषा बहुत ही प्रिय जैसे धारा प्रवाह भाषा होती है तादृशी भाषा नाम वर्तते अधुना वयम पाठम पठाम अहम एक एक श्लोक पठिष्यामी पुनः पुनश्च तस्य अर्थस्य प्रकाशम प्रकाश करिष्यामः आग्छंतु अधुना पठामः आइए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं प्रथम श्लोक हमारे सामने है बेटा सा तदा करुणा वाचो विलपन्ति सुदुखिता वनस्पतिगत गृध्रम लोचना सा तदा करुणा वाचो विलपन्ती सुदुखिता वनस्पति गृध्रम ददर्श आयतलोचना इस श्लोक में जो अंतिम पद है बच्चों ददर्श आयत लोचना ये संधि युक्त पद है ददर्श आयतलोचना आयतलोचना कहते हैं जिसकी आंखें ये प्रशंसा के अर्थ में है विशेष रूप से महिलाओं के लिए आयतलोचना जिसको हिंदी में कहते हैं बड़ी बड़ी आंखों वाली जिनकी मोटी मोटी आंखें होती हैं आयतलोचना फैली हुई आंखों वाली सा तब तदा सा वह तदा तब करुणा वाचो विलपंती करुणा युक्त वचन बोलती हुई विलाप करती हुई सुदुखिता बहुत दुखित वनस्पति गतम वनस्पति गतम वृक्ष पर बैठे हुए गृध्रम गृध्र ग्रिद्र को ददर्श देखा आयतलोचना सा आयतलोचना तदा करुणावाचो विलपंती सुदुखिता वनस्पतिगतम गृध्रम ददर्श यह इसका अन्वय हुआ तब तदा यानी तब सा उसने किसने सीता ने सुदुखिता विलपनती दुख से विलाप करती हुई सीता ने करुणावाचो करुणा पूर्ण वचन बोलते हुए वनस्पति वृक्ष पर गतम बैठे हुए वनस्पति यानी वृक्ष पर आरूढ़ गृध्रम ददर्श उस गृद्ध को देखा तबे दुख से करुणा से आयत लोचना सीता ने वनस्पति पर बैठे हुए उससे गृध्र को देखा जब वह सुदुखित थी यह इस प्रथम श्लोक का अर्थ हुआ कथाक्रम आगे बढ़ता है घटनाक्रम आगे बढ़ता है दूसरे श्लोक को पढ़ते हैं जटायो पश्य मय ह्रियमाण अनाथवत अनेन राक्षसेंद्रेण करुणम कर्मणा चटायु पश्य माम आर्य ह्रीय अनाथवत्क्षसेन्द्रेण करुण पापकमण अन पापकर्मण राक्षसेंद्रेण इस पाप कर्म करने वाले यानी पापी इस पापी राक्षस राक्षस राज इस राक्षस राज पाप कर्म करने वाले पापी के द्वारा माम ह्रियमाणम माम अनाथवत ह्रियमाणम मुझे माम यानी मुझको अनाथवत अनाथ की तरह से बेसहारा जिसका कोई नाथ नहीं है जिसका कोई सहारा नहीं है ऐसी मुझको अनाथवत ह्रियमाणम अनाथ की तरह से अपहरण की जाती हुई हे आर्य माम पश्य हे श्रेष्ठ जटायु आप मुझे देखिए सीता कहती हैं अधुना अन्वयम पठा प्रिय छात्रा हे जटायु मां हे आर्य जटायु आर्यटा अनाथवत्पकर्मणा राक्षसेंद्रेण पाप पापकर्मण राक्षसेंद्रेण माम पश्च्य हे जटायु पाप कर्म करने वाले पापी राक्षस राज के द्वारा मुझे अनाथ की तरह से अपहरण करके ले जाया जा रहा है हे आर्य जटायु आप मुझे ऐसी स्थिति में देखिए मैं ऐसी स्थिति में हूं जबकि मुझे राक्षस राज रावण के द्वारा अनाथ की तरह से अपहरण करके ले जाया जा रहा है पाप कर्म पाप कर्म यानी पापी कर्म है जिसके पाप से युक्त कर्म हैं जिसके ह्रियमाणा यानी अपहरण करते हुए सानच प्रत्यय का प्रयोग है अनाथवत अनाथ के जैसे राक्षस प्लस इंद्रेण संधि युक्त पद है राक्षसों के राजा रावण के द्वारा मुझे ले जाए जाते हुए हे आर्य जटायु आप देखिए वह मुझे अनाथ की तरह से अपहरण करके ले जा रहा है वह कैसा है पाप कर्मणा वह पापी है यह इसका अर्थ है प्यारे बच्चों अधुना अग्रिमम श्लोकम पठाम अब हम अगले श्लोक पर चलते हैं अगले श्लोक का मैं पहले उच्चारण करूँगा फिर उसका एक एक शब्द पढ़ूंगा फिर शब्द का अर्थ देखेंगे पुनः अन्वय तत्पश्चात अर्थम तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायुरथ सुश्रुवे निरीक्ष्य रावण क्षिप्रम वैदेही च स तम शब्द अवसुप्त तो जटायु अथ शुश्रुवे निरीक्ष रावणम क्षिप्रम तम उसको चदर्श उस शब्द को अवसुप्त सोए हुए तू तो जटायु जटायु ने अथ शुरू से सुश्रुवे सुना अथ और इति ये संस्कृत के दो प्रयोग होते हैं प्यारे बच्चों अथ आरंभ के अर्थ में और इति पूर्णता के अर्थ में याने उस शब्द को उस समय सोए हुए जटायु ने सुश्रुवे सुना निरीक्ष रावणम क्षिप्रम निरीक्ष यानी देख करके निरीक्षण करके रावणम रावण को क्षिप्रम जल्दी से वैदेही च वैदेही विदेह राज की बेटी यानी सीता सीता को च और ददर्श देखा स उसने अब अन्वय देखेंगे स जटायु अवसुप्त जटायु तम शब्दम सुश्रुवे स वैदेही निरीक्ष रावणम च क्षिप्रम ददर्श उस शब्द को सुन के जब जटायु ने उस शब्द को सुना तब उसने रावण को निरीक्षण किया रावण को देखा क्षिप्रम यानी शीघ्रम जल्दी से और वैदेहीम च ददर्श वैदेही को भी ददर्श यानी देखा स यानी उसने किसने स जटायु के लिए उस जटायु ने जब वह सो रहा था उस शब्द को सुना और सुनने के बाद उसने रावण को देखा जल्दी से और रावण के साथ साथ च ददर्श और सीता को भी देखा यानी घटनाक्रम में यह है कि जब जटायु सो रहा था वृक्ष पर तब उसने उस शब्द को सुना जो इससे पूर्व श्लोक में वर्णित था जिस जिसे सीता ने सहायता के रूप में पुकारा था उसे सुनकर के जटायु ने रावण को भी देखा और फिर वैदेही को भी देखा अगले श्लोक में चलते हैं ततः पर्वत श्रृंगाभ तीक्ष्ण तुंड खगोत्तम वनस्पति ग्रीमान व्याजहार शुभाम गिराम ततः पर्वत श्रृंगाभ तीक्षणतुंड खगोत्तम वनस्पतिगतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरा तब पर्वत श्रृंगाभ पर्वत के श्रृंग के पर्वत के शिखर के जैसी आभा वाला यानी उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे इस श्लोक में जटायु के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं ततः तत्पश्चात पर्वत श्रृंगाभ पर्वत के शिखर के जैसी आभा वाला चमक वाला तीक्ष्ण तुंड तीक्ष्ण तुंड है जिनका जिनकी चोंच जिनका मुख धार वाला है खगोत्तम खगो में जो उत्तम है पक्षियों में जो सर्वोत्तम है श्रेष्ठ है वनस्पतिगत वृक्ष पर बैठा हुआ है वनस्पतिगत वृक्ष पर आरूढ़ श्रीमान सम्मान के अर्थ में व्याजहार प्रकट किया बोला व्याजहार बोला शुभाम शुभ गिराम वाणी को अधुना अन्वय पश्याम प्रिय छात्र अब हम अन्वय देखते हैं ततः पर्वत श्रृंगार तीक्ष्णतुंड खगोत्तम वनस्पति श्रीमान्, शुभाम गिराम व्याजहार उसके पश्चात पर्वत के शिखर के जैसी आभा वाला विशाल शरीर वाला तीक्ष्णतुंड धार वाली चोंच वाला तेज जिसकी चोंच है और जो पक्षियों में सबसे उत्तम है खग उत्तम खगोत्तम पक्षियों में श्रेष्ठ वनस्पतिगत वृक्ष पर बैठा हुआ श्रीमान जटायु ने शुभाम गिराम व्याजहार यह शुभ वचन बोले कौन से शुभ वचन बोले अब अगले श्लोक में इसका वर्णन आएगा शुभाम गिराम गिरा कहते हैं वाणी को गिरम वाणी शुभाम गिरम व्याजहार अपने शुभ वचन बोले क्या वचन बोले अगले श्लोक में पढ़ते हैं निवर्तय मतिम नीचा परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरेत धीरो यत परोस्य है बहुत अच्छी बात इस श्लोक में कही है प्यारे बच्चों एक एक शब्द का उच्चारण मैं कर रहा हूँ निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् परदारा दारा अभिमर्शनाथ पर न तत्समाचरेत धीरो यत पर अस्य हैत निवर्त लौटा दो रोक लो मतिम बुद्धि को नीचाम नीचे नीच बुद्धि को रोक लो पर दारा दूसरे की पत्नी दारा स्त्री पर दारा दूसरे की स्त्री अभिमर्शना दूसरे की स्त्री के अपहरण दूसरे की स्त्री का दबाना उसको अपहरण करने का जो नीच कार्य है इससे अपनी मति को रोक लो आगे कहते हैं न तत् न यानी नहीं तत उसको समाचरित आचरण करना चाहिए व्यवहार करना चाहिए धीरो धीर पुरुष को समझदार व्यक्ति को धैर्य वाले व्यक्ति को उस आचरण को कभी नहीं करना चाहिए यत जिससे पर अस्य दूसरे लोग इसका विगर निंदा करें जटायु कहते हैं रावण को समझाते हुए कि नीचा निवर्त पर निवर्तय धीर तत् न समाचरेत यत अस्या विगरहेत कहते हैं कि अपने दूसरे की स्त्री को अपमानित करने अप, अपहरण करने वाली जो नीच बुद्धि है नीच भावना है उसको लौटा लो उसको रोक लो क्योंकि धैर्यशाली व्यक्ति को धीरज वाले व्यक्ति को न तत् उस आचरण को कभी नहीं करना चाहिए यत पर अस्य विगर हित विगर कहते हैं निंदा को विगर्त निंदा करें जिससे दूसरे लोग उसकी निंदा करें ऐसे कर्म को कभी भी धैर्यशाली व्यक्ति को नहीं करना चाहिए आप भी दूसरे की स्त्री के अपमान करने वाली अपनी नीच बुद्धि को अभी वापिस ले लो रोक लो यानी सीता माता के अपहरण के कार्य को रोक दो यह उचित नहीं है प्रिय छात्र अयम पाठ्यांश अस्मा भी पठिता अत्र श्लोका वर्णिता सी श्लोकेशु सया प्रयोग वर्तते आप इनको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद एक एक शब्द का अर्थ जब आप जोड़ेंगे तब आपको भाषा के अध्ययन का आनंद अनुभव होगा श्लोकों में जो कथा आगे बढ़ रही है उस कथा का भाव आप भली प्रकार समझ पाएंगे और संस्कृत भाषा का प्रयोग भी आप भली प्रकार से समझ पाएंगे आप इस पाठ को पुनः पुनः अभ्यास कीजिएगा बहुत बहुत धन्यवाद